तथागत भगवान बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सबसे पहले मैं अपने जान से प्यारे भाई, मेरे दिल का टुकड़ा जे जोगदिया जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना कष्ट और कितना दुख से जैसे बिल्कुल सीना फटा जा रहा है। मैं लखनऊ में था जब ये सूचना मिली। गुजरात के अलग अलग जिलों से कम 50 फोन आए और हर व्यक्ति रो रहा था। मुझे बिल्कुल ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जाने के बाद कितना कष्ट पूरे समाज को रहा होगा। जोगदिया जी की जैसे सूचना मिली लगे जिसे सांसें रुक गई हो। उसी दिन से हम सदमे में हैं, लेकिन मैं आपसे एक आह्वान करता हूं। जोगदिया जी दो बात कहा करते थे। एक तो वो कहते थे कि हमें एजुकेशन हब बनाना है, और दूसरा वो कहते थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का कारवां बौद्ध में भारत का निर्माण ये किसी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। हम लोगों ने मिलकर सपना देखा था। भानु भाई, जोगदिया जी, मैं, मिशन जय भीम के सारे कार्यकर्ता, तथागत बुद्ध के धर्म को मानने वाले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के क्रांतिकारी सिपाही, सब ने मिलकर सपना देखा था। हम भारत से छुआछूत को और जातिवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किए बिना चैन से बैठने वाले नहीं है। भारत को बौद्धमय बनाना और शिक्षा के रास्ते पर चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को साकार करना, यह हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य बन गया है। चाहे जितनी मर्जी कुर्बानियां देनी पड़े, मैं आप सब से आह्वान करता हूं कि आप सब लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को और हमारे जान से प्यारे इस छोटे भाई जे जोगदिया जी के सपने को साकार करेंगे या नहीं करेंगे। हम लोग को मिलके राजूला के अंदर, अमरेली के अंदर एजुकेशन हब का निर्माण करना है। जिस तरह हम अपने घर को बनाते हैं, अपने बच्चों की शादी में जन्मदिवस पर कितने ही पैसे खर्च कर देते हैं, उसमें से क्या 10% हिस्सा निकालकर हम जोगदिया जी के सपने को पूरा नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। पूरे दुनिया में मुझे कोई एक एग्जाम्पल दिखा दो, कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ हो और डॉक्टर कहे कि तुम्हारी बीमारी इतनी बड़ी है, तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन करना होगा, कम से कम 20 यूनिट ब्लड। पूरे दुनिया में मुझे कोई एक एग्जाम्पल दिखा दो जिसका ऑपरेशन होना हो ये कहे कि मुझे केवल ब्राह्मण का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल क्षत्रिय का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल मुस्लिम का चाहिए, या ईसाई का चाहिए।